वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आरओ पेड ग्रुप की कुछ नंबर थर्ड करेंगे यहाँ पर वीडियो फॉर्म में। यहाँ पर लगातार ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है, आप फर्स्ट सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सोहर लोकगीत की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। सोहर लोकगीत वैसे तो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है लेकिन यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस राज्य में प्रचलित है। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में प्रचलित और कब गाया जाता है, चाइल्ड बर्थ के समय, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें सोहर गाया जाता है। ठीक, तो ये एक हम लोग क्या कह सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अगला भी आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड सवाल है, जिकिर लोकगीत किससे संबंधित है। तो जिकिर लोकगीत संबंधित है इस्लाम की शिक्षाओं से, इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित आपका लोकगीत है जिकिर। शस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, शस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है पीटर डो क्रिसेंजी को। एम एस स्वामीनाथन जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, और वर्गीज कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है आपको, मिल्क प्रोडक्शन से, मिल्क। तो आप जल्दी से कमेंट करके हमको बताएंगे कि ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल का उदाहरण है। ठीक, रबी फसल का उदाहरण है आपका मक्का, एक्चुअली जव है यहाँ पे गिवन ऑप्शन के हिसाब से जव। क्रॉपिंग सीजन में अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि सदर्न स्टेट्स में मक्का जो है ये खरीफ में भी है, ये राबी में भी है, और ये जो है जायद में भी होता है कभी कभी। तो राबी और खरीफ दोनों में सदर्न स्टेट्स में मक्का उगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और नॉर्थ नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में मक्का जो है कब उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ खरीफ सीजन में। तो जो हम जनरली जो क्वेश्चन लेते हैं जब आप यूपीपीसीएस या बीपीएससी पेपर दे रहे होंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि मक्का जो है ये नॉर्दर्न स्टेट्स में खरीफ में उगाया जाता है, रबी क्रॉप इसको नहीं मानते हैं। सदर्न स्टेट्स में होता है खरीफ में, रबी में भी, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि खोंगजम पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है। तो खोंगजम फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें लोक नृत्य दिए हुए हैं और ये कहाँ कहाँ प्रचलित है उनके बारे में दिया हुआ है। तो लावड़ी जो है ये प्रचलित है आपका नृत्य महाराष्ट्र में, आल्हा जो है मध्य प्रदेश में प्रचलित है, और उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी भाग में जैसे महोबा में प्रचलित है। इसके बाद है कि नियोगा जो है ये कहाँ से, नियोगा प्रचलित है अरुणाचल प्रदेश में, पनिहारी ये असम दिया हुआ है जो कि गलत है, पनिहारी का होना चाहिए राजस्थान, पनिहारी का जो सही है वो होना चाहिए राजस्थान, हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो इस तरीके से क्विज में अगर आप लगाते हैं तो ये सही उत्तर हो जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है पनिहारी राजस्थान, इस तरीके से हमारे पेड क्विज में दिया रहता है। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं पुरंदर दास, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड फैक्ट है। इसके बाद पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में, ठीक है, 5 जून 1973 मनाया गया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में करंट अफेयर में कभी कभी थीम पूछते हैं, तो इस बार इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। इस बार इसकी थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, ध्यान रखिएगा। कौन सा पर्यावरण के अजैविक संघटक के उदाहरण है। तो जैविक संघटक और अजैविक संघटक होते हैं एक आपके पर्यावरण में, और जो उनका इंटरेक्शन जो होता है इन जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो इंटरेक्शन यानी जो अन्योन्य क्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। तो जहां पर सिर्फ ये दर्शाया जाए कि जैविक और अजैविक घटक अपनी कंडीशंस के साथ मौजूद हैं वो क्या होता है, वो होता है एनवायरनमेंट। लेकिन जब अन्योन्य क्रिया यानी कि इंटरेक्शन के संबंध में बात की जाती है तो उसको हम लोग कह देते हैं इकोसिस्टम। तो ये फर्क होता है इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में सिंपली। इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो है अजैविक संघटक है। तो माउंटेन, रिवर, रॉक ये सारे जो है अजैविक संघटक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये जैविक संघटक होते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, प्लांट्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे। प्लांट्स जो है ये होता है जैविक घटक या फिर हम लोग कह सकते हैं बायोटिक रिसोर्सेस। आगे पारिस्थितिकी शब्द का
सर्वप्रथम जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने किस वर्ष में प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1869। मेनली ये ध्यान रखिएगा कि जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी वर्ड का यूज किया था। पर्यावरण की किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण क्या कहलाते हैं? ध्यान रखिएगा यहाँ पर फंक्शनल रोल या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। कार्यात्मक लक्षण कहलाते हैं निश या फिर निकेत। निश या निकेत पर मैंने वीडियो दिया था अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस बैकअप चैनल पर, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं डिटेल में निश और हैबिटेट में क्या फर्क है, मैंने बताया हुआ उसमें। डीपीसी 65 में सवाल आया था, ये आया था, इसमें पूछा गया था कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तब इसका उत्तर निश नहीं होगा, रहने की जगह को आवास या फिर हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर जीव अपनी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करता है और वो सारी कंडीशंस जिनको सहन कर सकता है स्पीशी या ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग निश बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे सवाल आया था यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा में जो 12 जून को हुई थी 2022 में, इसमें क्या पूछा गया है। दो स्टेटमेंट है, पहला इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस इट कैन टॉलरेट एंड रिसोर्सेस इट यूटिलाइजेस एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड अ निश। ईच स्पीशीज हैज अ डिस्टिंक्ट यूनिक निश। डिस्टिंक्ट निश होता है, हर स्पीशी का अलग अलग होता है। एक स्पीशी के दो हैबिटेट, मतलब एक ही हैबिटेट में दो स्पीशी तो रह सकते हैं लेकिन एक निश में दो स्पीशी नहीं रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर माना गया था बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट माने गए थे। इसके बाद पूछा है कि खैरा रोग धान में किस कमी से होता है? राइस में जो खैरा डिसीज हो जाती है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति किस नाम से जानी जाती है? तो धान की प्रथम बौनी प्रजाति थी जया, ठीक है। उसके बाद गोल्डन धान की में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। चावल में घुलने पर सामान्यतः कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल के धुलने पर, नॉट घुलने, नॉर्मली व्हेन विच विटामिन इज वॉश व्हेन राइस इज वॉश्ड एंड पॉलिश्ड, जब राइस को धोया और पॉलिश किया जाता है तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, ठीक है। थायमिन या फिर विटामिन B1 पॉलिश किए हुए राइस से नष्ट हो जाता है। इसी संबंध में इस तरीके से भी सवाल आ चुका है हमारे एग्जाम में कि यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है आपका बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी हो जाता है क्योंकि B1 की कमी हो जाती है, पॉलिश राइस से B1 हट जाता है, इस वजह से बेरी बेरी हो जाता है पॉलिश राइस खाने से। गेहूं की फसल में मुख्य रोग कौन सा है? तो गेहूं की फसल में रस्ट बहुत ज्यादा लगते हैं, व्हाइट रस्ट, येलो रस्ट, रेड रस्ट, और ये जो है किससे होता है? फंगस से होता है। फंगस की विभिन्न प्रजातियों से रस्ट डिसीज हो जाती है गेहूं में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की किस्म का उदाहरण है? तो गेहूं की किस्म का उदाहरण है आपका कंचन, ठीक है, कंचन। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? कहा गया था कि हम लोग 26 दिसंबर को हर साल अब वीर बाल दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? गुरु गोविंद सिंह के चार बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की थी? तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी आई थी इसी दिन, ठीक है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था 2022 में। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 16 जनवरी 2016 से इसको शुरू किया गया था और इसमें फंड सिडबी के द्वारा मैनेज किया जाता है। कंपनी को इसका लाभ लेने के लिए एक बिजनेस के रूप में इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़ करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन जाएगा? तो चाइना को पछाड़ करके भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन जाएगा और ये सिर्फ अमेरिका और सेकंड नंबर पर ब्राजील से पीछे रह जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का गेटवे टू द हेल किससे संबंधित है? तो गेटवे टू द हेल एक क्रेटर है जिससे आग लगातार निकल रही है कई वर्षों से, तो इसको गेटवे टू द हेल नाम दे दिया गया है। ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित एक डेजर्ट में पाया गया है। गंगा सागर मेला जो है किस द्वीप से संबंधित है? तो गंगा सागर द्वीप संबंधित है, ये पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप में होता है। अभी यूकेपीसीएस में पूछा गया था, ये यूकेपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें देखिए पूछा गया था भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका उत्तर बी था, पश्चिम बंगाल।
हाल ही में चीन को कौन सा टैग दिया गया था जनवरी मंथ में? इसको जो है डेवलपिंग कंट्री का टैग दिया गया था WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रचना, पढ़ना, सपना, उत्तरा जो है किसकी फसलें हैं? ये फसलें हैं मटर की, ठीक है, मटर की फसलें हैं। रचना, पढ़ना, सपना, उत्तरा। बहार, अमर, आजाद, मालवीय, विकास, परास, मालवीय, चमत्कार, ये सब किसकी फसलें, मतलब किसकी किस्में हैं? ये हैं फसलें आपकी अरहर की या तूर की। तो इस तरीके से ये सेशन खत्म होता है। आपको बताइएगा कमेंट करके ये सेशन कैसे लगा है।